Hello students, welcome to the lecture 3 of solutions chapter, my dear students. So I hope अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी. हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट कर लिया है और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज पढ़ने वाले हैं, विच इज सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी क्या है मैम? मैम बिल्कुल समझाएंगी आपको सॉल्युबिलिटी क्या है. उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो तो क्या होगा. अगर हमारा सॉल्यूट गैस बन जाए और लिक्विड सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड बन जाए तो फिर क्या होगा. यानी कि आज का लेक्चर सुपर इंटरेस्टिंग होने वाला है. कोल्ड ड्रिंक सभी ने पी होगी, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड है. उसके पीछे की साइंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं. आई होप आप सभी एक्साइटेड हैं एंड आई होप आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस जरूर किए होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मम्मी ने कितनी बार आपकी पीठ थपथपाई थी. ठीक है, तो चलो बेटा आज का अमेजिंग सेशन स्टार्ट करते हैं हम. तो अगर हम यहां पर देखें तो सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, फिर हम हेनरीज लॉ पढ़ेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ओके, तो बेटा अब इसके लिए मैम ने लास्ट क्लास में आपको एक चीज बताई थी कि एक फ्रेश माइंड से एक लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, राइट? यस, तो ये क्वेश्चन हम करेंगे. उससे पहले मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे एंड थैंक यू सो मच. मैं देख रही हूँ कि हर एक बच्चा अपने होमवर्क को क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहा है. स्माइली क्वेश्चंस के आपने आंसर्स दिए हैं एंड आई एम सो हैप्पी. बेटा बिल्कुल ऐसे ही मुझे जवाब देते रहना. आप जो कमेंट करते हो ना, वही मेरा डेली मोटिवेशन है, वही मुझे मोटिवेट करता है. क्योंकि अब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, राइट? हम डायरेक्टली नहीं कॉन्टैक्ट कर पा रहे हैं, तो कॉमेंट्स के थ्रू ही मुझे पता लगता रहेगा कि आपको सेशंस में चीज़ें समझ आ रही हैं, आप होमवर्क क्वेश्चंस कर रहे हैं. सो थैंक यू सो मच इतने सारे कमेंट्स करने के लिए. एंड अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है. एंड हाँ, जो मैंने आपसे पूछा था फायर के बारे में, बेटा फायर की जो स्टेट होती है वो एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है, विच इज प्लाज्मा. एंड आई सी बहुत सारे बच्चों ने उसका क्वेश्चन उस क्वेश्चन का सही आंसर दिया था. तो प्लाज्मा उसकी स्टेट होती है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, डोंट वरी. ये सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन था, ठीक है? तो चलो यार अब ये स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन क्या कहता है पहले इसे ध्यान से देख लीजिए. क्वेश्चन कहता है दैट कैलकुलेट द मोलालिटी. आपको मोलालिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 0.25. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है इसको आपको समझना है. हर एक स्टेप को समझ लो, फिर लास्ट में तो आपको सारी चीजें क्लियर हो ही जाएंगी, है ना? हमेशा ही होती हैं. चलो तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, आपको मोलालिटी कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले यहाँ लिख लो कि मोलालिटी होता क्या है. मैम होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास होता है मैम सॉल्वेंट का, किसमें? केजी में. तो बेसिकली आपको मोल फ्रैक्शन दी है और उसको यूज करके आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है? नाउ लेट अस कंसिडर कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है आपका वो एक्स काय एस बोल दो या काय एक्स एस बोल दो, ठीक है? और सॉल्वेंट जो है उसको एस ओ एल वी से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं. आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट की वो 0.25 है, ठीक है? तो यानी कि मैम ये जो वैल्यू है मुझे 0.25 गिवन है. अब बेटा अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात करोगे तो दो ही तो कॉम्पोनेंट्स है आपके सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है. और मैम ने आपको ये बताया था कि जब दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं तो उन दोनों कॉम्पोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन का जो टोटल सम आता है वो कितना आता है? 1 आता है. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. तो इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि 1 माइनस 0.25 विच इज इक्वल टू 0.75. यहां तक आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब बेटा अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो एक और जो फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का वो क्या होता है, जिसकी मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स. तो अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हो तो आप क्या कहोगे मैम? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स. तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है? टोटल मोल्स में आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आ रहा है, ठीक है? मोल्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा मैम? सॉल्वेंट के जो मोल्स हैं दैट अपॉन टोटल, है ना? हाँ, तो ये आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स. अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. तो बेटा अगर आपको मैम ये बोले कि आप इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो और इसको सेकंड इक्वेशन ले लो और क्या करो, फर्स्ट को सेकंड से
डिवाइड कर दो. तो अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड किया तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर रही हूँ, है ना. ऑल्सो मैम हमें पता है दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट का मतलब होता है मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, और मैम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स, है ना. हाँ तो बेटा इस टोटल से मोल्स टोटल कैंसिल हो सकता है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक्चुअली किसके इक्वल होता है, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के, है ना. यस. अब जो इंपॉर्टेंट चीज आपको नोटिस करनी है वो क्या है, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है. अगर आप मोलालिटी का फॉर्मूला देखोगे तो मोल्स ऑफ सल्यूट ऊपर चाहिए लेकिन नीचे ना मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए वो भी केजी में. आपके पास में यहां पे एक्सप्रेशन में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है तो क्या आप मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो. सॉल्वेंट क्या है, चलो अब उस चीज को नोटिस करो, एक्वस सॉल्यूशन बोला हुआ है. क्या बोला हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन बोला हुआ है, यानी कि मैम सॉल्वेंट जो है वो है वॉटर, ये भी आपने हमें बताया था. और जब आपको किसी चीज के मोल्स दिए होते हैं तो उसका मास कैसे निकालते हैं, मैम उसको उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं. और मोलर मास ऑफ वाटर जो होगा वो हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, इट इज 18 ग्राम्स पर मोल, है ना, है ना बेटा. यस yes. तो जो आपकी ये इक्वेशन है, जो आपकी ये जो आपने निकाला है, अगर मैं इस मोल्स को मोलर मास में कन्वर्ट करना चाहती हूं तो मैं सॉरी मास में कन्वर्ट करना चाहती हूं तो मैं क्या करूंगी, मैम आप इसको ना 1/18 कर दो, ये पूरा जो आएगा वो आपका ग्राम्स में आ जाएगा, क्या वाटर का मास. अब मैंने अगर इक्वल टू के इस साइड 1/18 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे इस साइड भी 1/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने इसको भी 1/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, कोई इशू नहीं है. चलो अब अगर आप इस पार्ट को देखोगे बेटा, इस वाले पार्ट को, तो आप कहोगे मैम ये आ गया हमारे पास में मास ऑफ वाटर लेकिन ये ना ग्राम्स में है. अगर आपको इसको केजीज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, बस 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. हाँ तो क्या करो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो इस पूरे को 1000 से डिवाइड करूंगी मतलब यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देती हूं, अपॉन में आएगा वो ऊपर चला जाएगा, है ना. अगर मैंने उधर 1000 से किया है तो मुझे इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ या नहीं, बिल्कुल मैम. अब देखना है आपको सबसे अमेजिंग चीज, और वो सबसे अमेजिंग चीज क्या है बेटा, कि ये है आपका इतना इतना पार्ट पूरा का पूरा, ये जो मैं इतना लिख रही हूं ना, इस पूरे को आप कह सकते हो दैट दिस इज द मास ऑफ वॉटर इन केजीज. तो मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है आपका मोलालिटी. तो यानी कि जो आपका ये पूरा एक्सप्रेशन आया है ये, और जो वो पूरा एक्सप्रेशन है एक्चुअली आपके मोलालिटी के ही इक्वल है. तो यहां से आपको मोलालिटी का बहुत ही इजी सा एक फॉर्मूला मिला, और वो फॉर्मूला क्या है, दैट मोलालिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. तो मैम मोल फ्रैक्शन of solute upon mole fraction of solvent, and इस mole fraction को आपको multiply करना है किससे, 18 से, 18 mole जो आपके कितने हैं mole fraction of solvent आई है उसको 18 से multiply करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका solvent water है, और generally आपको जो question मिलेगा उसमें आपका solvent water ही होगा, ठीक है. तो यानी कि मैम आप ऐसे लिख सकते हो, अगर एक general formula लिख रहे हो तो into molar mass, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और ये जो मास आएगा वो आपका किस में आएगा, ग्राम्स में आएगा, इसलिए हमें उसे 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा. तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्चुअली आपका मोलालिटी का एक्सप्रेशन है, अगर आपको कभी मोल फ्रैक्शन दी हो तो, ठीक है. तो अब आप आंसर निकाल सकते हो, मोलालिटी जो होगी दैट विल बी इक्वल टू 0.25 अपॉन 0.75 इनटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट क्या था, वाटर था, तो वाटर का मोलर मास होता है 18, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, तो जो मोलालिटी आएगी वो आ जाएगी 1000
अपॉन 18 इंटू 3 विच इज 1000 अपॉन 8324 42313 4554 मोलल. ठीक है, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं और आपको आपका आंसर मिल जाएगा. राइट, यस. तो बेटा इस तरीके से आपको मोलालिटी निकालनी है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी सॉल्व कर लिया था. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. अगर आपको नहीं समझ आया तो मैम आपको फिर से समझा देती हैं एक बार. मैम ने क्या किया, आपको सिर्फ इन दोनों का रेशियो लेना है. जब आप इन दोनों का रेशियो लोगे मोल फ्रैक्शंस का, तो मोल फ्रैक्शंस का रेशियो एक्चुअली मोल्स का रेशियो ही होता है. तो नीचे आपके सॉल्वेंट के मोल्स आ रहे हैं और आपको सॉल्वेंट का मास चाहिए होता है केजी में मोलालिटी के एक्सप्रेशन में. तो अगर आपके पास में मोल्स हैं सॉल्वेंट के, तो उसको उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मास मिल जाएगा सॉल्वेंट का, लेकिन वो ग्राम्स में आएगा. इसीलिए हमने उसको 1000 से डिवाइड किया. तो जब हमने इस पूरे को 1000 से डिवाइड किया तो 1000 ऊपर चला जाएगा एंड ये पूरा एक्सप्रेशन आपका मोलालिटी का एक्सप्रेशन होता है. ठीक है, इसीलिए हमने ये एक्सप्रेशन डिराइव किया और फाइनली आंसर निकाल दिया. तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को अगर याद करना चाहते हैं तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ भी सकते हैं. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. और इसीलिए आपके सामने एक होमवर्क क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप स्माइली होमवर्क क्वेश्चन समझ लीजिए. दिस इज योर स्माइली होमवर्क क्वेश्चन. ठीक है, तो आपको क्या स्पेलिंग लिखी है मैम ने स्माइली की. ठीक है, स्माइली होमवर्क क्वेश्चन. तो ये अब आपको खुद ट्राई करना है, एक बार डिराइव करने की कोशिश करना, फिर फॉर्मूला में पुट करके तो आंसर आएगा ही जाएगा कहाँ, है ना. हाँ, तो ठीक है, कर लोगे इस क्वेश्चन को आप लोग, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया. तो अब जो हम शुरू करने वाले हैं उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की बड़ी ज़रूरत थी. ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है तो मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी यहाँ पर लाई हूँ. ठीक है, आपके पास एनसीईआरटी है तो ओपन करो और उसके अंदर सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट ओपन करना है. ठीक है, तो बेटा क्योंकि हम सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशंस में सॉल्युबिलिटी पढ़ना तो बड़ा जरूरी है. सॉल्युबिलिटी होता क्या है, तो चलिए समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है. ये मैं आपके सामने एनसीईआरटी इसलिए लाई हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो मैं अंडरलाइन करूंगी और आप मेरे साथ साथ ही अपनी बुक्स में अंडरलाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट जो सबसे पहला एक्सप्रेशन है दैट इज योर सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्वड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर. कुछ समझ नहीं आया मैम, है ना. सुनो आप, क्या है, आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल लेना है. यू कंसिडर, क्योंकि सबसे बेसिक एग्जाम्पल हमारे पास में वही होता है. आप ले लो पानी और आप ले लो चीनी. पानी है आपका सॉल्वेंट, चीनी है आपका सल्यूट. ठीक है बेटा, आप लोगों ने वो देखा होगा चाशनी कहते हैं उसे, चाशनी होती है जिसके अंदर मिठाइयाँ बनती हैं, है ना. चाशनी का मतलब क्या होता है कि आपके पास में पानी है, आपने उसमें चीनी मिक्स करनी शुरू करी. तो मान लो मैं इस रूम में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, अब मैं इस रूम का टेम्परेचर थोड़ी बढ़ा रही हूँ, मैं आग थोड़ी लग रही है इस रूम में, खाली नॉर्मल एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, एक कांस्टेंट प्रेशर है. तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे मैंने एक सॉल्वेंट लिया और उसके अंदर मैंने शुगर, दैट इज मैंने पानी लिया और उसके अंदर मैंने चीनी को मिक्स करना शुरू किया. मैं मिक्स करूँगी, थोड़ा मिक्स होगा, फिर मैं और चीनी मिक्स करूँगी, और मिक्स होगी, फिर मैं और चीनी मिक्स करूँगी, फिर और मिक्स होगी. एक ऐसा टाइम आएगा जब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर लिया, मान लो आपने 500 ml पानी लिया था, मान लो आपने 500 ml पानी लिया था, तो 500 ml में मान लो x ग्राम्स ऑफ शुगर जो है वो आपकी मिक्स हो पा रही है एंड उससे ज़्यादा और मिक्स नहीं हो रही. इस टाइम पे बेटा आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, और प्रेशर जो है वो भी कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे आपने ये कार्यक्रम करा है. ठीक है, तो वो टाइम, वो सॉल्युबिलिटी, वो अमाउंट ऑफ शुगर जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे आप 500 ml पानी के अंदर डाल पा रहे हैं, वो उसकी सॉल्युबिलिटी है. उसके ऊपर आप और चीनी मिक्स नहीं कर पाते हो, चीनी मिक्स नहीं होगी. तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी मैम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर प्रेशर और एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में ही हम डिस्कस कर पाएंगे, दैट कितना अमाउंट ऑफ सल्यूट आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मिक्स किया है एक फिक्स्ड टेम्परेचर और एक फिक्स्ड प्रेशर पे, उसे कहा जाता है सॉल्युबिलिटी. तो आइए अब इस लाइन को पढ़ते हैं. सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज
its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent. एक specified amount यहाँ पे हमने 500 ml ली है, ठीक है? और ये x है maximum amount of sugar जो आप mix कर पा रहे हो, ठीक है? तो solubility का definition आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आपको ये पूरा chapter समझ आएगा. तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि solubility जो है वो किस किस पे depend करती है, तो solubility जो है वो चार major चीजों पे depend करती है. कि आप किस तरह का सल्यूट ले रहे हो, ठीक है? जैसे कि आप शुगर ले रहे हो तो वो 500 ml में x ग्राम मान लो मिक्स होगी. अगर आप उसी की जगह पे नमक को सल्यूट ले लेते तो नमक लेटर से y ग्राम होता, तो कोई और अमाउंट होती है उसकी, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी होती. यानी कि अलग अलग सल्यूट्स की अलग अलग सॉल्युबिलिटी होगी. तो सल्यूट के नेचर पे डिपेंड करता है आप कैसा सल्यूट ले रहे हो. दूसरा, वो सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है, आप पानी में मिक्स कर रहे हो या आप किसी और सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हो, ठीक है? तो मैम वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. तीसरा बेटा, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि आप क्या टेम्परेचर ले रहे हो. अगर मैंने इसी सल्यूशन को का टेम्परेचर बढ़ा दिया होता, अगर मैंने इसको हीट कर दिया होता, तो मैं और शुगर इसके अंदर मिक्स कर पाती, है ना? हाँ, तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करता है. तो चार चीजों पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है. तो आगे पढ़ते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सल्यूट, पहला. सेकंड है सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट दूसरा, एज वेल एज टेम्परेचर तीसरा, एंड प्रेशर चौथा. Now let us consider the effect of these factors in solution. अब one by one हम इनको समझेंगे कि ये factors कैसे determine करते हैं solubility को. तो I hope आपको यहाँ तक चीजें clear हो गई हैं, solubility की definition, solubility किस किस के ऊपर depend करती है, ठीक है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. आगे बढ़ते हैं. आगे हम पूछे, अब हम क्या कंसिडर करने वाले हैं. मैंने आपको बोला था कि सॉल्युबिलिटी हम पढ़ रहे हैं, तो आपके पास सल्यूट है और आपके पास सॉल्वेंट है. तो अब अगर आपके पास में सल्यूट एक सॉलिड है और सॉल्वेंट एक लिक्विड है, सल्यूट एक सॉलिड है और सॉल्वेंट आपका एक लिक्विड है, तो क्या होगा? अब बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी जिसे कहते थे लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक. सेम तरह के लोग जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे दोस्त बन पाते हैं, ज़्यादा रूबरू हो पाते हैं, ज़्यादा मिक्स हो पाते हैं. कहते हैं ना कि यार ये मेरा फ्रेंड नहीं बन सकता, हमारी वाइब नहीं मैच होती है, ये मेरा फ्रेंड बन सकता है क्योंकि हमारी वाइब मैच होती है. यानी कि आपकी पसंद, आप कैसे हो आप वैसे ही लोगों के फ्रेंड्स बन पाते हो. अगर आप ऑपोजिट की तरफ देखोगे तो बहुत कम ऐसा होता है कि कोई बिल्कुल ही आपके नेचर से डिफरेंट हो और वो आपका बहुत अच्छा दोस्त हो, ठीक है? तो जनरली लाइक लोग एक दूसरे को जल्दी, फ्रेंडशिप होती है उनके बीच में, फ्रेंड्स वो जल्दी बनते हैं. तो वही केस अब हम सॉल्यूशंस में समझने वाले हैं. एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट का अगर नेचर नियरली सेम है तो वो जल्दी डिसॉल्व होंगे. जैसे कि अगर आपसे कोई बोले कि यार वाटर के अंदर NaCl जल्दी मिक्स होता है ना. NaCl जो है, जगह कहाँ होगी हमारे पास, मैं यहाँ लिख देती हूँ. मैं NaCl, NaCl जो है वो बेटा वाटर के अंदर मिक्स होता है, फटाफट भाग के मिक्स होगा NaCl वाटर में, ठीक है? अब मैं अगर मैं आपसे बोलूं कि NaCl की जगह पे आप क्या करो, नैप्थलीन को मिक्स करने की कोशिश करो, या फिर NaCl को अब बेंजीन में मिक्स करने की कोशिश करो, तो बेंजीन के अंदर वो मिक्स नहीं होगा लेकिन वाटर में वो सॉल्युबल हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो NaCl पोलर नेचर है, तो पोलर नेचर जो होता है, वाटर का भी पोलर नेचर होता है. केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा आपने, तो वाटर भी पोलर है, NaCl भी पोलर है, तो मैम वो जो है आपस में डिजोल्व हो जाते हैं, बिकॉज लाइक डिजोल्व लाइक. लेकिन अगर आप NaCl एक पोलर कंपाउंड को एक नॉन पोलर में, ये पोलर है और ये नॉन पोलर है, अगर आप इसको इस नॉन पोलर सॉल्वेंट में मिक्स करने की कोशिश करोगे तो नहीं मिक्स होगा, बिकॉज वो दोनों लाइक नहीं है, एक जैसे नहीं है, ठीक है? तो यही चीज यहां लिखी हुई है, दैट एवरी सॉलिड, हर एक सॉलिड डज नॉट डिजोल्व इन अ गिवन लिक्विड. जरूरी नहीं है कि कोई भी सॉलिड ले और कोई भी लिक्विड के अंदर उसको डिजोल्व करने की कोशिश करो वो डिजोल्व हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है? वाइल सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मतलब
NaCl. And sugar dissolve readily in water. Naphthalene and anthracene, बेटा ये दोनों जो होते हैं वो आपके नॉन पोलर होते हैं, ठीक है? तो naphthalene और anthracene do not, वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते, ठीक है? On the other hand, naphthalene and anthracene dissolve readily in benzene. Benzene में वो readily dissolve होते हैं क्योंकि वो भी non-polar है और benzene भी non-polar है. But sodium chloride and sugar do not. क्यों नहीं करेंगे benzene में, ma'am? Again, वही concept है, like dissolves like, right? Yes. It is observed that polar solutes dissolve in polar solvents. बिल्कुल polar solute polar solvents में dissolve होते हैं and non-polar solutes in non-polar solvent. In general, a solute dissolves in a solvent if the intermolecular interactions are similar. In the two or we may say like dissolves like. या फिर हम directly कह सकते हैं कि जो like होता है वो like में ही dissolve होता है. I hope इस paragraph में किसी को कोई issue नहीं है, ठीक है? क्योंकि बेटा इन paragraph से directly questions आते हैं, इसलिए मुझे ये NCERT का part आपके सामने लाना पड़ा क्योंकि हर line में एक सवाल बन रहा था. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स, ठीक है? और आपसे क्या पूछा जा सकता है, दैट व्हाई NaCl इज सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट सॉल्युबल इन बेंजीन. तो ऐसे रीजंस के आंसर्स आपको देने आने चाहिए और वो ये पैराग्राफ से ही देने आएंगे, ठीक है? तो मैंने बैठे बैठे आपको तीन चार क्वेश्चंस बता दिए जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, अगला पैराग्राफ पढ़े. अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं. When a solid solute is added to the solvent, जब आपने एक सॉलिड सल्यूट को एक सॉल्वेंट के अंदर डाला, सम सल्यूट डिजोल्व एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस. अब सोचो, पानी था, पानी के अंदर आपने सल्यूट को डालना शुरू किया, तो मैंने आपको बताया था कि जब आप कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे बेटा आप कॉन्सेंट्रेशन ना मोलारिटी ले लो. तो अगर हम मोलारिटी की बात कर रहे हैं तो मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन लीटर्स होता है, ठीक है? अब आप सल्यूशन की वॉल्यूम को सॉल्वेंट की वॉल्यूम के इक्वल ले रहे हैं. अब आप वॉल्यूम को तो कोई फर्क नहीं डाल रहे, आप सिर्फ शुगर ही शुगर डालते जा रहे हो. तो अगर आप चीनी चीनी डालते जा रहे हो, यानी कि आपने इस वॉल्यूम को तो कॉन्स्टेंट कर दिया और आप मोल्स ऑफ सल्यूट को बढ़ा रहे हो. तो अगर आप मोल्स ऑफ सल्यूट को बढ़ा रहे हो तो आपकी मोलारिटी बढ़ रही है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है ना? तो यही लाइन कहता है दैट व्हेन अ सॉलिड सल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, सम सल्यूट डिजॉल्व्स एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस इन द सल्यूशन. अभी आगे क्या बोलता है, द प्रोसेस इज नोन एज डिसोसोल्यूशन. तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को डिसोसोल्यूशन कहा जाता है. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट व्हाट इज डिसोसोल्यूशन, व्हाट इज डिसोसोल्यूशन. तो डिसोसोल्यूशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम सल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डालते रहते हैं और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट जो है वो बढ़ता रहता है, ठीक है? ये डिसोसोल्यूशन होता है. परफेक्ट. Some solute particles in solution collide with the solid particles and get separated out of the solution. यहां पे सारी कहानी बदल गई. अब आप देखो होता क्या है. होता ये है बेटा कि आपको पता है आपके पास में एक सल्यूट है जिसको आपने सॉल्वेंट में एड किया और आपको क्या मिल गया, सल्यूशन मिल गया. अब क्या होता है ना बेटा, इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम आता है. आपने केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम वर्ड पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है कि जब आप सल्यूट और सॉल्वेंट को इस तरीके से मुझे नहीं पता कैसे बनेगी लाइन बट ठीक है, मैं ट्राई कर रही हूं, ठीक है? चलो अब आप ये चीज सोचो, मैंने इस सल्यूशन के अंदर, ये मेरा पानी था, ठीक है? जब मैं इसके अंदर बेटा सल्यूट ऐड करती हूं, जब मैं इसके अंदर शुगर ऐड करती हूं, तो क्या होता है कि आप जब इसको मिक्स करते रहते हो तो फिर जब बहुत सारे शुगर के पार्टिकल्स हो जाते हैं, मान लो ये शुगर के पार्टिकल्स बहुत सारे हो गए सल्यूशन के अंदर, फिर क्या करते हैं, ये आपस में कोलाइड कर जाते हैं. तो ये आपस में क्या करेंगे, कोलाइड कर जाएंगे. और जब ये कोलाइड कर जाएंगे तो दोनों सल्यूट के पार्टिकल्स जो मिक्स हो चुके हैं पानी के अंदर, अब वो कहेंगे कि चलो यार
हम दोनों बाहर चलते हैं, तो ये दोनों बाहर चले जाते हैं और क्या हो जाता है, क्रिस्टल फॉर्म कर लेते हैं। तो यानी कि जब एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन भी बनाते हैं और सॉल्यूशन से आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग भी मिलते हैं, मतलब कि एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम दोनों के बीच में आ जाता है, तो इसे कहते हैं अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो जाता है जब आपके पास में इस तरीके से मिक्सिंग हो जाती है। और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम कब मिक्सिंग होती है बेटा, जब आपका मैक्सिमम सॉल्यूट जो है वो ऐड हो चुका है। अब मैं इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल देती हूँ, इस पूरे प्रोसेस को ना क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब देखो क्या होता है, आपने कभी देखा होगा कि जब आप मिठाई खा रहे होते हो तो मिठाई में चाशनी होती है, ठीक है, जो चाशनी क्या होती है, वो जो मीठा मीठा लिक्विड होता है ना, जो बहुत ही गाढ़ा भी होता है, अगर वो ज़मीन पर गिर जाता है, अगर वो ज़मीन पर गिर जाता है तो थोड़ी देर के बाद में आप देखोगे कि वहाँ पर वाइट वाइट कुछ इकट्ठा हो जाता है। वो वाइट वाइट एक्चुअली आपका क्रिस्टलाइजेशन हो गया है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन था मैक्सिमम, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है मैम, बेटा जब आप मैक्सिमम सॉल्यूट ऐड कर देते हो और अब उससे ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकता एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उस कंडीशन को सैचुरेटेड कंडीशन कहते हैं। जब आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लिक्विड में सॉल्यूट को ऐड किया और आपने मैक्सिमम ऐड कर दिया, अब इससे ज्यादा नहीं ऐड हो सकता, तो उस सॉल्यूशन की कंडीशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। और जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो बेटा डायनेमिक इक्विलिब्रियम शो करता है इस तरह का, जहां पर सॉलिड और सॉल्यूट आपस में मिक्स भी हो रहे होते हैं और बाहर भी आ रहे होते हैं, ठीक है, और इसीलिए क्रिस्टलाइजेशन आपको दिखाई देती है, ठीक है। अब आप इस चीज को पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी समझ आ गया, तो अगली डेफिनेशन जो है वो आपकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की है। अ स्टेज इज रीच्ड, एक स्टेज रीच होती है वेयर व्हेन द टू प्रोसेसेस अकर एट द सेम रेट पे हो रहे होते हैं। जितना आगे जा रहा होता है, जितना सॉलिड और सॉल्वेंट सॉल्यूशन बना रहा होता है, उतना ही सॉल्यूशन वापस सॉलिड और सॉल्वेंट बना रहा होता है। तो ये कहता है, अंडर सच कंडीशंस नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स गोइंग इन टू द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स सेपरेटिंग आउट, आई होप इसमें कोई इशू नहीं है, एंड द स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। और एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेज रीच हो जाती है, ठीक है, यहां तक कोई इशू नहीं है, आई थिंक ये सारा समझ आ गया है आपको। चलो अब आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन दिखेगी। एट दिस स्टेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन विल रिमेन कॉन्स्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी अंडर द गिवन कंडीशंस दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपने टेम्परेचर और प्रेशर कॉन्स्टेंट रखा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सिमिलर प्रोसेस इज फॉलोड वेन द गैसेज आर डिजोल्व इन द लिक्विड सॉल्वेंट्स। सेम ऐसा ही होता है अगर आपने गैस, अगर आपका सल्यूट जो है वो क्या है, गैस है, तो भी सेम ही चीज होगी, सॉल्युबिलिटी है तो सेम ही चीज होगी। सच अ सल्यूशन इन विच नो मोर सल्यूट कैन बी डिजोल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सल्यूशन, ठीक है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन आने से पहले की जो कंडीशन होती है उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, जिसके अंदर आप और सॉल्यूट ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आगे कहता, एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, आपको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की भी डेफिनेशन दी हुई है, इज वन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट द सेम टेम्परेचर। द सॉल्यूशन विच इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैंने कहा था ना, वो जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम आता है वो कौन सी स्टेट होती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, ठीक है। एंड सर्टन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सच अ सॉल्यूशन इज इट्स सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे आप ऐड कर सकते हो, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसे सॉल्युबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। अगर आपको इतना समझ आया तो मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देना चाहूंगी।
जिसका आंसर आप मुझे फिर से कमेंट्स में बताएंगे, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ. ठीक है, तो आपका यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन है दैट व्हाट इज फर्स्ट इज डिसोसोल्यूशन. और मुझे ना बुक की डेफिनेशन नहीं देनी है. आप ये समझो कि मैं अब स्टूडेंट हूं और आप मेरे टीचर हो और आपको मुझे कमेंट में एक्सप्लेन करना है कि डिसोसोल्यूशन होता क्या है. हिंदी में समझाओ, अपने शब्दों में समझाओ, डेफिनेशन मत बताना. बताना कि डिसोसोल्यूशन क्या होता है और फिर बताना सॉल्युबिलिटी क्या होती है. ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन द टू, डिफरेंस बिटवीन द टू, ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसका आंसर मुझे आप सभी से चाहिए. आप अपनी भाषा में समझाओगे, डेफिनेशन नहीं लिखोगे. डिसोसोल्यूशन क्या होता है और सॉल्युबिलिटी क्या होता है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, मतलब ये दोनों अलग हैं या सेम हैं या क्या है. ठीक है, फिर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. अगर नहीं समझ आया है, कहीं पर भी कोई डाउट है, तो आपको लेक्चर फिर से रिवाइंड करके देखना है. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया. अब बेटा एक पैराग्राफ रह गया है जो है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. क्या है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? तो अब मैम आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ाएंगी और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए आपने 11th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ली शैटलेयर प्रिंसिपल. अगर आपने पढ़ा है तो बहुत बढ़िया, अगर याद है तो बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, अगर नहीं समझ आएगा तो भी मैं आपको पूरा क्लियर करा दूंगी अभी के अभी. ठीक है, तो अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, देखो क्या समझना है अब हमें. देखो मैम, आपने हमें बताया कि एक कंडीशन आती है जिसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे होती है क्रिस्टलाइजेशन, और उसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन होता है. और वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि हमारे पास में एक सॉल्यूट होता है, वो सॉल्यूट जो है वो एक सॉल्वेंट के साथ मिक्स होता है और हमें मिल जाता है सॉल्यूशन. तो मैम ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है और आप हमें पढ़ा रहे हो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. तो हेडिंग लिख देते हैं हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, चलो अब देखो ली शैटलेयर प्रिंसिपल बेसिकली करता क्या है. ली शैटलेयर प्रिंसिपल, जब भी कोई चीज इक्विलिब्रियम में होती है और आप कोई ऐसा काम करने की कोशिश करो, एक इक्विलिब्रियम में अगर आप कोई ऐसा काम करने की कोशिश करो कि आप उस इक्विलिब्रियम को खराब करना चाहो, जैसे कि मान लो ये इक्विलिब्रियम है और मैं इस सॉल्यूशन की अमाउंट को बढ़ाना चाहूं, मैं क्या करूं, मैं और सॉल्यूशन डाल दूं इसके अंदर, तो मैंने इक्विलिब्रियम को खराब कर दिया, है ना. तो इक्विलिब्रियम में ली शैटलेयर प्रिंसिपल के हिसाब से इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इक्विलिब्रियम बहुत शैतान है. इक्विलिब्रियम कहता है कि तुम जो करना चाहोगे मैं उससे उल्टा करूंगा. तुम चाहते हो ना कि सॉल्यूशन बढ़ जाए, इसीलिए तुमने और सॉल्यूशन डाला है. तुम चाहते हो ना कि सॉल्यूशन बढ़ जाए, मैं नहीं बढ़ने दूंगा. तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, ऐसा कुछ करेगा कि वापस से बैकवर्ड चला जाए. तो बेसिकली इक्विलिब्रियम ने क्या किया, जो आप करना चाहते थे उसका उल्टा करने की कोशिश की, और यही होता है ली शैटलेयर प्रिंसिपल. ठीक है, तो अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मैंने ना इस इक्विलिब्रियम के अंदर और ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर दिया, अब मैंने क्या किया इस इक्विलिब्रियम में सॉल्यूट और ऐड कर दिया, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इक्विलिब्रियम कहेगा कि तुम सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ाना चाहते हो, तुम सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ाना चाहते हो, तो ली शैटलेयर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रुको, मैं क्या करूंगा, मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर चला जाऊंगा. और अगर रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी तो आपको पता है रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम हो जाएगी, क्योंकि वो रिएक्ट करने लग जाएंगे, है ना. तो जो भी आप करोगे, ली शैटलेयर प्रिंसिपल कहता है कि इक्विलिब्रियम उसका उल्टा करता है. बस इतनी सी कहानी आपको समझनी है. ठीक है, इतना हमें समझ आया. अब बेटा जब भी आप रिएक्शंस की बात करते हो तो रिएक्शंस जो होते हैं वो दो अलग अलग तरह के होते हैं. हो सकता है कि एक ऐसा रिएक्शन हो जिसके अंदर हीट जो है वो इवॉल्व हो सकता है कि रिएक्शन ऐसा हो जिसके अंदर आपका रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक हो. एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि उसका डेल्टा एच नेगेटिव होता है. अब आपको ये डेल्टा एच नेगेटिव बिल्कुल समझ नहीं आएगा, तो डेल्टा एच नेगेटिव या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि हीट इज इवॉल्व्ड.
अभी भी नहीं समझ आया, तो बेटा इसका मतलब होता है कि जो आपकी रिएक्शन थी, जो आपका सल्यूट था, जब वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करता है तो आपको एक सल्यूशन मिलता है, तो आपको एक सल्यूशन मिलता है। और मैंने बोला कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर हीट इवॉल्व होती है, यानी कि जब रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट बनेगा तो हीट बाहर निकलेगी, तो यानी कि मैम हीट यहां पर होगी। ये समझ आ रहा है? एक तो ये होता है, दूसरा आपका जो रिएक्शन होता है वो होता है एंडोथर्मिक। क्या होता है? एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक का क्या मतलब होता है? एंडोथर्मिक का मतलब होता है डेल्टा एच होता है पॉजिटिव। अब मैम पॉजिटिव डेल्टा एच का मतलब है इस बार क्या होगा कि रिएक्शन इस तरह से होगी कि जब प्रोडक्ट बनेंगे ना तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यानी कि यहां पर हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। तो अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो इसका मतलब है मैम कि जो सल्यूट है वो सॉल्वेंट के साथ सल्यूशन बनाएगा, और अब क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रही है इसका मतलब है कि मैम हीट जो है वो यहां पर आएगी प्रोडक्ट वाली साइड। ठीक है, ये होता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का मतलब। अगर इतना समझ आया है तो अब आप मुझे खुद आंसर दे सकते हो। ठीक है, अगर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मैं टेम्परेचर को बढ़ाती हूं, तो मैं क्या करना चाहती हूं? मैं हीट और ज्यादा करना चाहती हूं। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हीट और ज्यादा इवॉल्व होती है, तो मैं हीट को और ज्यादा करना चाह रही हूं। ठीक है, तो अगर मैं हीट को और ज्यादा करना चाह रही हूं तो ली शैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? तो मैम अगर आप ये बढ़ाना चाहते हो तो ली शैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कहेगा कि रुको, तुम जो करना चाहते हो उसका उल्टा करूंगा, यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो आप कहोगे इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड जाएगा। और बेटा अगर आपका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जा रहा है, पीछे की साइड जा रहा है, तो आप क्या कह सकते हो कि सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। तो आप कह सकते हो कि मैम सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। सेम उसी तरह से अगर मैं एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को कम करती हूं, इसका मतलब है कि मैं हीट को कम कर रही हूं। अगर मैं हीट को कम करना चाहती हूं तो ली शैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कहेगा कि मैं अब फॉरवर्ड जाऊंगा। अगर तुम इसको कम करना चाहती हो तो मैं इसको बढ़ाने की कोशिश करूंगा, और ये बढ़ेगी कैसे? जितना ज्यादा रिएक्शन आगे जाएगा। और अगर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? अब सॉलिड और सॉल्यूट फटाफट सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो मैम यहां पे सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ रही होती है। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं? अगर आपको ये समझ आया तो 2 मिनट आपको अब वीडियो पॉज करना है, और एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर इंक्रीज और टेम्परेचर डिक्रीज दोनों कंडीशंस बिल्कुल इसी तरह से खुद सोच के लिखनी है। ठीक है, चीटिंग मत करना, खुद सोच के लिखना। चलो अब मैं लिख रही हूं, आई होप आपने वीडियो पॉज करके लिखा होगा। अब देखो, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो मतलब मैम हीट जो है वो इस साइड है। अगर हीट इस साइड है और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आप यहां पे हीट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। आप रिएक्टेंट की साइड अगर हीट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम करेगा क्या? उसको कम करने की कोशिश करेगा। और वो कम कैसे होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके। तो आप क्या कहोगे? आप यहां पर कहोगे कि मैम जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। और बेटा अगर फॉरवर्ड मूव करेगा तो यानी कि सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। सिमिलरली अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो, तो यानी कि आप हीट को कम करने की कोशिश कर रहे हो।
अगर आप हीट को कम करने की कोशिश कर रहे हो तो ये क्या करेगा, हीट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। हीट कैसे बढ़ेगी, बैकवर्ड आके। तो मैम इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, और अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो आप कहोगे मैम सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यही आपके उस चार लाइनों में लिखा हुआ है। अगर आपको समझ आ गया ना तो कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रटते हैं कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। अब ये कितना रटोगे यार, भूल जाओगे, समझ लोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ लो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज होने पे हीट बढ़ती है और हीट इवॉल्व हो रही है यहाँ पे, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। यस, डू लेट मी नो समझ आया कि नहीं, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, मैम तब तक पानी पी लेती हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो नोट कर लिया होगा आई होप। देखो ये जो पैराग्राफ था यहां पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में यही लिखा है, अब इसको खुद से पढ़ोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो कोई इशू नहीं है यहां तक किसी को, आगे देखो। अब आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर क्या कहता है बेटा, कि प्रेशर जो है वो सॉलिड्स के ऊपर कोई खास प्रेशर का लेना देना नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर आपका सल्यूट गैस है तो प्रेशर का बहुत ज्यादा लेना देना होता है, ठीक है। गैसेस का प्रेशर, गैसेस के ऊपर अगर आप प्रेशर लगाओगे तो वो बहुत मैटर करेगा। अब सोचो अगर आपके पास में ये सॉलिड है और आप इसको पानी के अंदर मिक्स करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप इसके ऊपर कितना भी प्रेशर लगा दो, अगर ये मिक्स नहीं हो रहा तो ये नहीं मिक्स होगा, है ना। हाँ, लेकिन गैसेस जो होती हैं उनके ऊपर अगर आप प्रेशर लगा दो तो फिर वो मिक्स हो जाती हैं। यानी कि प्रेशर गैसेस के टाइम पे रोल प्ले करता है लेकिन सल्यूट्स के टाइम पे रोल प्ले नहीं करता। तो यहाँ पे यही बोला है, प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। सॉलिड्स जब लिक्विड्स में डिजोल्व होते हैं तो प्रेशर का कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता। इट इज सो बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, आप उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, इसको मैं कंप्रेस नहीं कर सकती हूं, है ना। हाँ, आगे बोलता है एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी एंड प्रैक्टिकली रिमेन अनअफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द प्रेशर। अब हमारे लिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज प्रेशर क्या रोल प्ले करता है इन केस ऑफ गैसेस इन सॉलिड्स, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो समझाने के लिए अब आपको थोड़ी सी देर शांति से बैठना है और आपको मैम एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज दिखाने वाली है, विच इज दिस। ये देखा है, ये कभी होते हुए देखा है, करा होगा ना कभी, तो हुआ होगा ऐसा आपके साथ, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोली और ये क्या हो गया, ये क्या होगा, ये क्या होगा, है ना, है ना। बेटा क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को खोलते हो, एकदम नई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आई होती है, जब आप उसको खोलते हो, ओपन करते हो, तो एक फिज की आवाज आती है, एक फिज की आवाज आती है। वो आवाज क्या होती है, वो आवाज क्या होती है मैम, वो जो आवाज होती है वो एक्चुअली, जस्ट अ सेकंड, हाँ, तो वो जो आवाज होती है ना मैम, वो क्या होती है, वो आवाज होती है गैस के बाहर निकलने की, और वो गैस क्या होती है, CO2 गैस होती है। तो अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स को पसंद करते हो, अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत पसंद है, तो आपको ये समझ आ जाएगा आज उसके पीछे की सारी साइंस, एंड आपको उसके लिए हेनरी बाबा को थैंक यू बोलना पड़ेगा। हेनरी क्या बोलते थे, हेनरीज लॉ क्या था, वो मैं अब आपको समझाने वाली हूँ। उन्होंने बेसिकली आपको ये बताया था कि जो गैसेस होती हैं उनका क्या इफेक्ट होता है लिक्विड्स, गैसेस जो होती हैं वो लिक्विड्स के अंदर आप कैसे मिक्स कर सकते हो, अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज किया तो किस तरह से उनकी सॉल्युबिलिटी पर फर्क पड़ता है, ये हमें हेनरी ने बताया था, ठीक है। यस, तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज हेनरीज लॉ, एंड हेनरीज लॉ डिस्क्राइब्स क्वांटिटेटिवली द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, और नहीं है यहाँ पे ऑन होगा, ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो हेनरीज लॉ आपको ये बताता है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है
ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड. ठीक है, तो आपको कोल्ड ड्रिंक का ही इमेजिन करना है. इमेजिन करो कि आपके पास में, चलो मैं पहले सोचने के लिए मजबूर करती हूँ आपको. बॉटल के अंदर जैसे आप नई बॉटल खोलते हो और आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो आपको बहुत ही अलग सा टेस्ट आता है ना. हाँ, ऐसे फिज जैसा टेस्ट आता है. सोडा जो पीते हो उसमें भी आपको वैसा फिज का जैसा फील आता है, राइट? यस. लेकिन अगर आपने उस कोल्ड ड्रिंक को थोड़ी देर ओपन करके रख दिया, थोड़ी देर वो खुली रह जाती है, उसके बाद में अगर आप कोल्ड ड्रिंक को पीते हो तो और कुछ नहीं, बस मीठा मीठा पानी लगता है. ऐसा क्यों होता है? मीठा मीठा पानी क्यों लगता है? क्या हो गया? टेस्ट क्यों खत्म हो गया? आज हम उसका रीजन समझेंगे. तो इसके लिए आपको क्या इमेजिन करना है, तो वो मैम आपको यहाँ पे इमेजिन करने के लिए बोल रही है. इमेजिन करो कि आपके पास में ये लिक्विड है, ये आपके पास लिक्विड है और ये आपके पास में गैस है. ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो गैस है और उसके नीचे जो है वो आपका लिक्विड है. ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने इसके ऊपर प्रेशर लगाया. ठीक है, अगर आप इसके ऊपर प्रेशर लगाओगे, जैसे W1 वेट था, अब यहाँ पे W1 तीन W1 वेट कर दिए, यानी कि आपने प्रेशर को बढ़ा दिया. अगर आपने प्रेशर को बढ़ा दिया तो जो गैस है वो आपके लिक्विड के अंदर मिक्स हो गई. वो गैस जो है वो लिक्विड के अंदर मिक्स हो गई. यानी कि मैम आप एक चीज कह सकते हो कि जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे ज्यादा गैस लिक्विड के अंदर सॉल्यूबल हो रही है ना. ये बोल सकते हैं हम दैट जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा गैस मेरे लिक्विड के अंदर मिक्स हो जाएगी, है ना. हाँ, तो क्या मैं आपसे ये कह सकती हूँ बेटा कि आप जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ा रहे हो, उतना ज्यादा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन बढ़ रही है. मैम नहीं समझ आया, समझो. पानी था, पानी के अंदर पहले थोड़ी सी गैस थी, ठीक है, उसके बाद में आपने उस पर बहुत प्रेशर लगाया तो बहुत सारी गैस उसके अंदर आ गई. यानी कि इस बार आपका सल्यूट क्या है मैम? इस बार सल्यूट गैस है और गैस के मोल्स बढ़ रहे हैं जैसे जैसे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं. तो अगर गैस के मोल्स बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है. यानी कि बेटा क्या आप कह सकते हो कि जो आपके गैस की मोल फ्रैक्शन है वो बढ़ रही है? हाँ, क्योंकि गैस के मोल्स बढ़ रहे हैं. अगर गैस के मोल्स बढ़ रहे हैं तो मैम उसकी मोल फ्रैक्शन भी बढ़ रही है. तो जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करूंगी उतनी ज्यादा गैस की मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर बढ़ती रहेगी. सो कैन आई से दैट प्रेशर, जो भी मैं प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, दैट प्रेशर इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. क्या हम ऐसा कह सकते हैं बेटा? बिल्कुल कह सकते हो मैम. जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो उतना ज़्यादा गैस का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है. अब बेटा एक ना फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस. तो ये जो आप प्रेशर अप्लाई करते हो ना बाहर से, उतना ही ज्यादा गैस आपकी लिक्विड के अंदर जाती है और उसी वजह से मोल फ्रैक्शन जो है आपकी गैस का बढ़ रहा है. तो बेटा गैस का पार्शियल प्रेशर भी उतना ही बढ़ रहा होता है. तो आप कह सकते हो दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. ये चीज जो है वो आपने अभी अभी इतना समझा है कि प्रेशर का गैस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है. और बेटा जो ये मोल फ्रैक्शन है ना आपकी, ये जो आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकाली है, एक्चुअली इसी को आप सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कह देते हो. क्योंकि जितनी ज्यादा मोल फ्रैक्शन उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी, इतना तो समझ आ रहा है. हाँ, तो मैम अभी तक हमें इतना समझ आ गया जितना आपने हमें समझाया कि प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस की मोल फ्रैक्शन बढ़ेगी. गैस की मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में बढ़ रही है, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है. ठीक है, यस, ठीक है, यहां तक कोई इशू नहीं है. अब समझो. अब मैम इतना हमने डिराइव कर लिया कि पी ऑफ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, चाहे बोल दो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. ठीक है, जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जिसे कहते हैं KH, राइट, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ
गैस। तो जो ये के एच होता है ना आपका, ये जो के एच होता है, इसे अब जो मेहनत करता है वो उस पर अपना नाम तो देना चाहता ही है, तो उसने क्या किया, इस कांस्टेंट को हेनरी ने नाम दे दिया हेनरीज कांस्टेंट। उसने इसको नाम दे दिया हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, कोई इशू नहीं है आपको यहां तक? यहां तक तो क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है मैम। ठीक है, तो ये हेनरीज कांस्टेंट जो है बेटा, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। हाँ, तो यहां से आप एक चीज बोल सकते हो दैट जो के एच है, जो आपका हेनरीज कांस्टेंट है, एक्चुअली दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो ये हेनरीज कांस्टेंट होता है ना, ये बेटा इंडिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है of partial pressure of gas and solubility of gas। मतलब कि KH जो है वो इन दोनों के वैल्यूज का रेशियो है। अब अगर आपने प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश की, तो उतना ही ज्यादा उसकी मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगी सॉल्यूशन में, और उतना ही मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस भी बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल जो इन दोनों का रेशियो है वो हमेशा KH के इक्वल रहेगा। KH जो है वो गैस के पार्शियल प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। तो आप, मैं वीडियो को मैं साइड हो रही हूं, आप इस चीज को नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम यहां पर देखें, ये लिख लिया होगा आपने आई होप, अब हम देखते हैं। ठीक है मैम, ये केएच जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और सॉल्युबिलिटी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और सॉल्युबिलिटी यानी कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है उसके इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इतना हमें क्लियर है। तो ये केएच किस पे डिपेंड करता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हेनरीज कांस्टेंट एक्चुअली डिपेंड करता है, तो चलिए अब इसको समझते हैं बेटा। जो आपका हेनरीज कांस्टेंट होता है वो डिपेंड करता है ऑन, फर्स्ट इज योर नेचर ऑफ गैस। पहला क्या है, नेचर ऑफ गैस, यानी कि आप कौन सी गैस ले रहे हो। आप SO2 ले रहे हो, आप CO2 ले रहे हो, आप N2 ले रहे हो, तो हर एक गैस का अपना हेनरीज कांस्टेंट होता है, उसके हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है किस पे। अब एक तो मैम ये समझ आ गया हमें कि वो नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है। जो दूसरा फैक्टर है जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है, दैट इज योर टेम्परेचर। दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है बेटा, टेम्परेचर। जैसे ही आपने टेम्परेचर चेंज किया, हेनरीज कांस्टेंट जो है वो बेटा चेंज हो जाएगा। यानी कि हेनरीज कांस्टेंट जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, विच इज द नेचर ऑफ द गैस एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेनरीज कांस्टेंट किस चीज पे नहीं डिपेंड करता और किस पे डिपेंड करता है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, यहां तक भी क्लियर है। अब मैम कुछ और तो होगा इंटरेस्टिंग सा, ऐसा तो नहीं हो सकता इतना आसान होगा ये, बिल्कुल। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चीज समझते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, अब हम ये समझेंगे बेटा कि हमें एक्सप्रेशन पता है दैट, ग्रीन कलर से लिखते हैं, हमें एक्सप्रेशन पता है कि जो प्रेशर ऑफ गैस है दैट इज इक्वल टू द हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है, यस। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है दैट जितना ज्यादा आप बाहर से प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ज्यादा गैस का प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस जो होगा वो बढ़ेगा, इतना हमें क्लियर है मैम। यानी कि अब अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो आप प्रेशर को कॉन्स्टेंट कर देते हो, ठीक है, आपने मान लो जैसे कि आपने उस बॉटल के अंदर, क्यों अब समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट, कि उस बॉटल के अंदर जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है वो जब बंद होती है बेटा, तो उस टाइम पे जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है ना, यस मैम। तो पार्शियल प्रेशर आपकी गैस का बहुत ज्यादा है, और मैम प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से गैस जो है वो सॉल्युबल होती है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी गैस की। अब जैसे ही आपने उस बॉटल को ओपन किया, तो आपको पता है कि आपने जैसे ही
बॉटल को ओपन किया तो क्या होगा, गैस का पार्शियल प्रेशर जो है वो कम हो गया। अब मैम जैसे ही पार्शियल प्रेशर कम हुआ, गैस जो होगी बाहर आ जाएगी, सॉल्युबिलिटी कम हो गई, और इसी वजह से वो जो फिज की आवाज होती है वो गैस के एस्केप करने की आवाज होती है। अब अगर आप उसको ओपन करके रख दोगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है, गैस लीव कर जाएगी और फिर जो आपको टेस्ट आता है वो सिर्फ मीठे पानी का टेस्ट आता है, राइट? यस। तो इस तरीके से कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर CO2 गैस जो है वो मिक्स की जाती है। आई होप यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज कि अगर आप इस प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, अगर आप इस प्रेशर को कांस्टेंट कर दो तो आपको एक चीज समझ आ गई कि मान लो 16 है नंबर और ये हमें पता है दैट ए 4×4 होता है ना। अगर मैं 16 को कांस्टेंट कर देती हूँ, अगर मैं 16 को कांस्टेंट कर देती हूँ तो अगर मैं इस नंबर को बढ़ा के 8 कर दूंगी तो बेटा ये 16 ही होना चाहिए, तो मैम इस नंबर को कम होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू कांस्टेंट आएगी 16। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जब ये चीज आपकी कांस्टेंट हो जाती है तो एज योर हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस, तो गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। एंड हमेशा ऐसा ही होगा बेटा, प्रेशर को आप सारा टाइम थोड़ी चेंज करते रहोगे, प्रेशर एक पर्टिकुलर जगह पे फिक्स करके वो कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद में आप हेनरीज कांस्टेंट और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते हो जिसके हेनरीज, जिस गैस के हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी वो कम होगी, ठीक है? ओके मैम, चलो यहाँ तक भी समझ आ गया। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है बेटा, नाउ आई वॉन्ट टू आस्क यू ऑल, अब मैं आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछना चाहूँगी, दैट इमेजिन करो आपने एक वैंडरवॉल्स कांस्टेंट पढ़ा होगा, 11th में आपने एक वैंडरवॉल्स कांस्टेंट पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में, क्या था ए क्या था, करेक्शन टर्म था, आई होप वैंडरवॉल्स कॉन्स्टेंट है ये, आई होप ये याद होगा आपको बेटा। जितनी ज्यादा ए की वैल्यू होती थी, जितनी ज्यादा आपके इस वैंडरवॉल कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती थी, गैस उतनी ही ज्यादा लिक्विफाई हो सकती थी। ये आपको अगर नहीं याद तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि हर एक गैस की ना एक ए वैल्यू होती है, ए वैल्यू होती है, ये आपका एक वैंडरवॉल कांस्टेंट होता है, ठीक है? और हर एक गैस की अपनी एक वैंडरवॉल कांस्टेंट ए की वैल्यू होती है। अब जितनी ज़्यादा ए की वैल्यू होती है वो गैस उतनी ही ज़्यादा ईजिली लिक्विफाई हो सकती है, यानी कि आप उस गैस को लिक्विड के अंदर उसको उतना आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा ए वैल्यू उतनी ज़्यादा गैस जो होगी वो लिक्विफाई हो सकती है। तो मैं यहां लिख दूं इजीली लिक्विफाइबल, ठीक है मैम? जितनी ज्यादा ए वैल्यू एक गैस की उतनी ज्यादा लिक्विफाइबल होगी गैस, ठीक है? अब बेटा अगर वो उतनी ही ज्यादा लिक्विफाइबल है, यानी कि लिक्विफाई होने का मतलब क्या हुआ, गैस का सॉल्युबल होना, यानी कि मैम इसका मतलब है कि उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा ए की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी होगी। अब बेटा अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो उस गैस का हेनरीज कॉन्स्टेंट क्या होगा, उतना ही कम हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे मैम, हेनरीज कॉन्स्टेंट जो होगा उसका उतना ही कम होगा। तो अगर कभी क्वेश्चन के अंदर आपको किसी गैस का ए वैल्यू दिया हुआ है तो आप ये सोचोगे कि जितनी ज्यादा ए वैल्यू, गैस उतनी ही लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती है, उतना ही लिक्विफाई हो सकती है आसानी से। अब जितना ज्यादा लिक्विफाई हो सकती है उतनी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, और जितनी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी उतना ही कम उसका हेनरीज कॉन्स्टेंट की वैल्यू होगी, ठीक है? यस। तो आई होप आपको यहां तक कोई भी इशू नहीं है बेटा, हर एक चीज जो है वो आपको क्रिस्टल क्लियर है, राइट? यस, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक आपको? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। हमने सारी चीज़ें समझ ली, हमने ये समझ लिया कि हेनरीज लॉ क्या कहता है, जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा, तो हम मोल फ्रैक्शन से सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। पहली चीज़ हमने पढ़ी, चलो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं।
उसके बाद में हमने हेनरीज कांस्टेंट निकाला, फिर हमने कहा कि जो हेनरीज कांस्टेंट होता है वो ना तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है ना ही मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, वो उन दोनों के इंडिपेंडेंट होता है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पर समझ ली। उसके बाद में हमने समझा कि KH डिपेंड करता किस पे है, KH डिपेंड करता है बेटा टेम्परेचर पे और वो डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ गैस पे। हर एक गैस का हेनरीज कॉन्स्टेंट अलग होता है और दूसरा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है उतनी ही ज्यादा KH वैल्यू होती है। अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा आपके हेनरीज कांस्टेंट की उतनी ही ज्यादा वैल्यू होगी। अगर हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो मैम सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। यही कॉन्सेप्ट हमने यहां पर समझा कि जब आप प्रेशर को कांस्टेंट कर दोगे तो पर्टिकुलर एक कंडीशन में प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो जितना ज्यादा KH वैल्यू होगी उतनी कम सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसके बाद में हमने एक और एक्सप्रेशन पढ़ा जो था आपका वैंडरवॉल्स कांस्टेंट ए की वैल्यू। वैंडरवॉल्स कांस्टेंट ए की जितनी ज्यादा वैल्यू होती है गैस उतनी ही ज्यादा लिक्विफाई हो सकती है। अब जितनी ज्यादा लिक्विफाई हो पाएगी उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी और जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उतना ही कम हेनरीज कांस्टेंट होगा। ठीक है, यस, बस इतनी सी चीजें थी, खत्म, सब कुछ क्लियर है आपको यहां तक? ठीक है, ओके। इसके बाद में अब मैं आपको कुछ जनरल एग्जांपल्स दूंगी। ठीक है, ये रहा बेटा आपके सामने जो मैंने चीजें बताई हैं। KH डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर बट इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड द नेचर ऑफ द गैस एंड नेचर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, लिक्विड तो आपका कांस्टेंट होगा, आप गैसेस को डिफर करके समझोगे इस चीज को। द ग्रेटर द हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ द गैस द लेसर इज द सॉल्युबिलिटी। जितना ज्यादा हेनरीज लॉ कांस्टेंट यानी कि जितनी ज्यादा KH की वैल्यू होगी उतनी ही कम आपकी सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, इसके बाद में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है ग्राफ से रिलेटेड। तो क्या आप अब एक पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और सॉल्युबिलिटी का ग्राफ बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं, क्या दिक्कत है मैम? क्या है, सिंपल सी तो चीज है, पार्शियल प्रेशर। तुम लोग मुझे बोलते हो कि मैम पिंक पेन मत यूज किया करो। अब यार एक लड़की को अगर तुम पिंक पेन यूज करने से मना करोगे तो कैसा लगेगा उसको, जरा मुझे बताओ। पिंक इज माय फेवरेट कलर यार, देखो ऐसे जनरलाइजेशन मत किया करो। हाँ मुझे पिंक पसंद है बट आई लाइक वॉयलेट कलर एज वेल। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि लड़की का फेवरेट कलर पिंक ही होता है, बट प्लीज पिंक भी साफ दिखता है, ऐसे मेरे को मना तो मत करो। मेरे को अलग अलग कलर के पेन्स यूज करना पसंद है यार। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो होता है वो KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है। अब आपको ग्राफ बनाना है, तो अगर आप ग्राफ बना रहे हो तो आप क्या करो, वाई इज इक्वल टू एम एक्स लिख दो। तो मैम ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जहां पे आपका जो y इंटरसेप्ट है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, जो आपकी स्लोप है वो क्या है, वो है मैम हेनरीज कांस्टेंट। और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉरी x इंटरसेप्ट है वो क्या है, That is your mole fraction of gas. तो अगर हमें यहां पे प्लॉट ड्रॉ करना है तो वो प्लॉट कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन। वाह क्या स्ट्रेट लाइन बनाई है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ठीक है, जहां पर y इंटरसेप्ट आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, x इंटरसेप्ट आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, और जो यहां पे स्लोप आ रही है m विच इज इक्वल टू tan थीटा वो आपकी किसके बराबर है, हेनरीज कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, यस, परफेक्ट। तो ये आपका ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये प्लॉट होता है। अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो 2 सेकंड में आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस, अब कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं मैम, कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। चलो अब एग्जाम्पल समझते हैं। सोचो बेटा, जब आप सीज, हाँ, जो अंडर वाटर सी डाइवर्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो एकदम बहुत नीचे 10,000 मीटर नीचे जाते हैं जब, तो क्या होता है बेटा वहाँ पे, क्या होता है, मुझे नहीं पता कितना फीट नीचे जाते हैं, प्लीज़ मेरा मजाक मत उड़ाना। ठीक है, मैंने ऐसे ही बोल दिया, बस ऐसे समझ लो अंडर वाटर जाते हैं बहुत ही नीचे। ठीक है, तो अगर वो बहुत ही नीचे जाते हैं तो आपको पता है दैट सी लेवल में नीचे जैसे जैसे हम जाते हैं जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है। तो आप एक चीज समझ पा रहे हैं, आप एक चीज समझ पा रहे हैं कि प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होगा। ठीक है,
तो मैम अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो गैस की सॉल्युबिलिटी जो होगी, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होता है. अब मैम अगर ये इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी इंक्रीज हो जाएगी डाउन जब जब हम नीचे जाएंगे, है ना. तो अब क्या होगा बेटा, आपके आप जब एयर इनहेल करते हो तो ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, जब आप इनहेल करते हो तो आप ऑक्सीजन भी इनहेल करते हो, आप नाइट्रोजन भी इनहेल करते हो और भी बहुत सारी गैसेस इनहेल करते हो, ठीक है. यस, तो जब आप नीचे जाते हो ना बहुत ज़्यादा तो क्या होता है कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन के साथ साथ क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो सभी गैसेज की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है, तो आपके बॉडी के अंदर N2 जो होता है नाइट्रोजन गैस जो होती है वो भी बहुत ज्यादा सॉल्युबल हो जाती है, ठीक है. अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, इसीलिए जो अंडर वाटर डाइवर्स होते हैं वो स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं बेसिकली वो मास्क लेके जाते हैं और वो एक टैंक लेके जाते हैं जिसके अंदर सारी की सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है. तो अब क्या होता है कि अगर सिर्फ नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन 70% होता है, नियरली 70% के अराउंड होता है, तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा आपके ब्लड में मिक्स हो जाता है और नाइट्रोजन गैस का साइज ना बहुत बड़ा होता है, ठीक है. तो जब तक वो नीचे हैं तब तक ठीक है, लेकिन अब जब वो ऊपर आएंगे तो नीचे से जब ऊपर आ रहे होते हैं तो धीरे धीरे प्रेशर कम हो रहा होता है, तो जब प्रेशर कम हो रहा होता है तो आपको पता है मैम सॉल्युबिलिटी भी कम होने लग जाएगी, तो जब सॉल्युबिलिटी कम होने लगेगी तो वो जो नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा सॉल्युबल थी वो धीरे धीरे ब्लड से बाहर आने लगेगी, और वो धीरे धीरे नहीं फिर क्योंकि आप अचानक से बाहर आओगे तो वो अचानक से बाहर आएगी और N2 गैस का साइज बहुत बड़ा होता है, तो जब वो आपके ब्लड से बाहर आती है ना तो आपको एक उसको डिजीज कहते हैं, जिसे कहते हैं बेंट्स, वो होने लगता है और इससे बेटा बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, ठीक है. तो इस ये ना हो, ये दर्द ना हो, इसलिए क्या किया जाता है, वो जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो टैंक लेके जाते हैं गैस का जिसके अंदर वो एक और गैस डाल लेते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, विच इज़ हीलियम. हीलियम भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ में वहां पे प्रेजेंट होती है. तो जब आप नीचे जाते हो तो क्या होता है कि सारी गैसेस सॉल्युबल होती हैं, तो हीलियम भी, क्योंकि अब हीलियम ज़्यादा अमाउंट में है तो हीलियम जो है वो भी सॉल्युबल हो जाती है. हीलियम का साइज नाइट्रोजन के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है, तो जब आप ऊपर आते हो तो हीलियम क्योंकि ज़्यादा सॉल्युबल हुई है, क्योंकि अब हीलियम का अमाउंट नाइट्रोजन से ज़्यादा कर रखा था आपने, तो हीलियम ज़्यादा सॉल्युबल हुई होगी, तो हीलियम जब बाहर आती है तो इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता जितना नाइट्रोजन के केस में होता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस का साइज बड़ा होता है, उसके मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होता है, तो दर्द ज़्यादा होता है. सिमिलरली इसीलिए हीलियम जो है वो उसमें ऐड की जाती है, और ये बोला जाता है कि जब आप नीचे से ऊपर आ रहे हो तो आप धीरे धीरे आओ ताकि जो गैसेस हैं उनको आपके ब्लड से निकलने में आपको पेन कम हो, ठीक है. यस, तो ये एक आपका हेनरीज लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल होता है और आपको आई थिंक ये समझ भी आ गया. दूसरा जो एग्जाम्पल है वो ये है कि जब आप हिल्स पे जाते हो तो हिल्स पे आपको पता है कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं प्रेशर जो होता है वो कम होता रहता है, तो अगर प्रेशर कम होता है तो आपका जो ऑक्सीजन है जो आपके ब्लड के अंदर मिक्स होती है वो भी कम हो सॉल्युबल होने लग जाएगी, है ना. हाँ, तो इसीलिए बेटा जब आप ऊपर जाते हो तो आपको ज़्यादा थकावट होती है क्योंकि आपके ब्लड में कम ऑक्सीजन सॉल्युबल होती है, ठीक है. इसीलिए आप बहुत जल्दी थक जाते हो और इसीलिए जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं जिनको ऑलरेडी ऑक्सीजन मतलब ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है उनको बोला जाता है कि भाई हिली एरियाज में मत जाओ, उनके लिए वो डेंजरस होता है, ठीक है. यस, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आपका हेनरीज लॉ एप्लीकेबल है. तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी. यही है बेटा हेनरीज लॉ, आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं. अगर नहीं क्लियर है तो क्या करना है, रिकॉर्डेड वीडियो है यार, ये आशीर्वाद दिया गया है आपको कि आप रिवर्स करिए, थोड़ा सा रिवाइंड करिए और वहाँ से फिर से देख लीजिए, है ना. तो ये मत बोलना मैम रिपीट कर दो, बस बेटा रिवाइंड करो, रिवाइंड रिवाइंड. मुझसे जितनी बार बुलवाओगे मैं उतनी बार वहाँ पे आपको चीज़ समझा दूंगी, एक बार दो बार तीन बार चार बार, आपके पास टाइम होना चाहिए. मैं तो रिवाइंड कर दोगे मैं बोलती रहूँगी, है ना. समझ रहे हो, देख रहे हो कितना कमाल है. चलो अब बेटा इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हेनरीज लॉ की लिमिटेशंस ये होती हैं, क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं वो पढ़ लेते हैं कि हेनरीज लॉ जो है वो एप्लीकेबल है व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूट. जब आपका सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होता है ना सिर्फ तभी हेनरीज लॉ एप्लीकेबल होता है, यानी कि जो आप गैस मिक्स कर रहे हो वो बहुत कम अमाउंट में मिक्स करो, सॉल्वेंट बहुत सारा होना चाहिए तब आपका हेनरीज लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है. तो पहली जो लिमिटेशन है वो तो ये है. सेकेंड लिमिटेशन है दैट इट इज एप्लीकेबल टू लेस सॉल्यूबल गैसेस. अब ऐसी कोई गैस हुई जो बहुत ही ज्यादा सॉल्यूबल हुई,
जो थोड़े से प्रेशर अप्लाई करने पे ही बहुत सारी सॉल्युबल हो गई, तो फिर हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होता. ये एप्लीकेबल होता है उन गैसेस पे जो लेस सॉल्युबल होती है. ठीक है, तो सेकेंड जो लिमिटेशन है वो इसकी ये है. थर्ड कहता है दैट एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर द गैस बिहेव्स आइडली. ये स्टेट्स ऑफ मैटर आ गया यहाँ पे. क्या कहता, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर द गैस बिहेव्स आइडली एंड इट इज लेस सॉल्युबल इन लिक्विड. हाँ, क्योंकि आइडियल गैस जो होती है वो तो नियरली, वो आइडियल गैस तो सॉल्युबल ही नहीं होती. तो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे गैस जो है वो आइडियली बिहेव करेगी, तो बहुत ही कम सॉल्युबल होगी. और अगर बहुत ही कम सॉल्युबल होगी तो आप उस पर हेनरीज लॉ अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, यस, तो ये भी समझ आ गया. हेनरीज लॉ कांट बी एप्लीकेबल जब आपकी गैस जो है वो आपके सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर ले. सॉल्युबल होनी चाहिए, रिएक्शन नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो जो रिएक्ट कर जाती हैं उनके ऊपर आपका हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता जा सकता है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ. तो आप सारी की सारी लिमिटेशंस लिख देंगे. ठीक है, यस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है. आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं. और अब हमारे पास में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, बस सवाल आएंगे और आपको सवालों के जवाब देने हैं. ठीक है, फटाफट वीडियो को पॉज करना है, सवाल पढ़ना है, सवाल का जवाब देना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर पॉज करना है, फिर सवाल का जवाब देना है, फिर आगे बढ़ना है. कूल कूल. तो चलो, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaNO3 इन वाटर. मैं आपको एक यहां पे हिंट देना भूल गई जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. ठीक है, तो आपका ये जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है. अब आपको बताना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ NaNO3 इन वाटर जो है वो इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ क्या होगी. तो वीडियो को पॉज करो और इस सवाल को करो. ठीक है, और मुझे जरूर बताना कि इनमें से कितने सवाल सही हुए थे. ठीक है, उतने ही जितने गलत हो उतने ही चाटे मार लेना, बता रही हूँ मैं आपको. ठीक है, चलो अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा मैम, हमें पता है रिएक्शन एंडोथर्मिक है, यानी कि हमारे पास में एक सल्यूट है, हमारे पास में एक सॉल्वेंट है, और मैम हमें क्या मिल गया, सल्यूशन मिल गया. और आपने बोला रिएक्शन एंडोथर्मिक है, यानी कि हीट जो होगी वो इधर होगी, क्योंकि हीट एंडोथर्मिक रिएक्शंस में एब्जॉर्ब होती है. ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं. अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो इसका मतलब है कि आप हीट को यहां से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो. अगर आप यहां से इसको बढ़ाने की कोशिश करोगे तो ली शैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम जो है वो उसका उल्टा करना चाहेगा. अगर आप रिएक्टेंस को बढ़ाना चाहते हो तो वो रिएक्टेंस को कम करेगा, और रिएक्टेंस कम कैसे होंगे, फॉरवर्ड जाके. तो मैम रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, तो अगर आपका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा यानी कि सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, मैम सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. तो इंक्रीजेस यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका सही सवाल, सही जवाब हो जाएगा. ठीक है, यस, तो जिन जिन ने कर लिया बहुत बढ़िया, मुबारक हो. और जिन जिन का ये क्वेश्चन गलत हुआ था वो एक. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया. आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी सॉल्यूशन. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी लेक्चर से पूछूंगी, इससे पहले भी जितना कुछ कर चुके हैं वो सब आपको क्लियर होना चाहिए. तो अब इसका जवाब दो, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है मैम, जिसमें दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, टू कॉम्पोनेंट्स. ठीक है, जिसमें एक सल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा. ठीक है, देखो मैम, प्योर वाटर और शुगर में हम कह सकते हैं कि शुगर सल्यूट हो जाएगा, प्योर वाटर सॉल्वेंट होगा. बचपन से आप हमें यही एग्जाम्पल समझा रहे हो, ये अगर हमने गलत कर दिया तो फिर तो हम कहीं क्या बोले, मैं भी वर्ड नहीं बोलूंगी. ठीक है, ठीक है, तो मैम ये तो बाइनरी सॉल्यूशन है. ठीक है मैम, एयर का समझ नहीं आ रहा, तो थर्ड पे चलते हैं ना, ऑप्शन से. मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्वीन, दो ही कंपोनेंट्स का मिक्सचर है तो ऑब्वियसली वो बाइनरी सॉल्यूशन है, ये भी बाइनरी सॉल्यूशन है. मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल, मैम ये भी दो ही कंपोनेंट्स है तो ये भी बाइनरी सॉल्यूशन है. तो सिर्फ एक ही बाइनरी सॉल्यूशन नहीं है, विच इज योर एयर. क्यों, क्योंकि एयर में बेटा बहुत सारी गैसेस होती हैं और वो एक मिक्सचर होता है, वो एक सॉल्यूशन ही नहीं होता. मिक्सचर और सॉल्यूशन के बीच का भी एक डिफरेंस होता है, लेकिन वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे. लेकिन आपको यहाँ से इतना तो समझ आ जाएगा कि एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, N2 होती है, CO2 होती है, O2 होती है, और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं. तो इट इज़ नॉट अ बाइनरी सॉल्यूशन एट ऑल, इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन. ठीक है, ये समझ लो, इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन. तो ऑप्शन टू यहाँ पे आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. क्वेश्चन कहता है दैट When a solid solute is added to the solvent, some solute dissolves and its concentration increases in the solution. ठीक है, this process is called. कितना बिल्कुल question ऐसे theoretically based आपके screens पे आया है, तो इसका इस सवाल का जवाब नहीं गलत दे सकते आप, बिल्कुल इस सवाल का जवाब गलत नहीं दे सकते हो. तो मैम ये तो बिल्कुल definition हमें दिख रही है कि जब हम solute को solvent में डालते हैं और उसकी concentration बढ़ती है तो उस process को dissolution बोलते हैं. तो dissolution यानी कि option B जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा. बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल कहता है दैट फोर गैसेज लाइक H2, हीलियम, CH4 एंड CO2 has Henry's constant values. आपको चार गैसेस दी हुई हैं, H2, हीलियम, CH4 और CO2, और आपको इनके हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यूज गिवन है 69.16, 144.979, उसके बाद में है 0.417 और फिर है 1.67. ठीक है, आपको बताना है द गैस विच इज मोर सॉल्युबल इन लिक्विड, आपको ज्यादा सॉल्युबल गैस बतानी है. तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो हमें पता है दैट जितना ज्यादा KH वैल्यू होगी उतनी ज्यादा उतनी ही कम आपकी सॉल्युबिलिटी होगी. ठीक है, आपको बताना है द गैस विच इज मोर सॉल्युबल, सबसे ज्यादा सॉल्युबल यानी कि सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो मैम KH वैल्यू जो होनी चाहिए वो सबसे कम होनी चाहिए. तो सबसे कम यहां पर कौन सी वैल्यू है? मैम सबसे कम वैल्यू तो मुझे 0.417 दिखाई दे रही है, तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा. तो 0.417 यानी कि CH4, तो मैम ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. देख रहे हो ऐसे सवाल आते हैं, इतने आसान सवाल, राइट? यस, बहुत बढ़िया. अगले सवाल पर चलते हैं. अगला सवाल कहता है That compare the KH value for H2 and SO2 solvent as H2O. ठीक है, तो बेटा इसमें ना दो concepts use हो रहे हैं, तो मैं ये आपको एक homework question की तरह देना चाहती हूँ. This is your homework question. तो ये homework question आपको क्या कहेगा, मैं आपको इसका hint दे रही हूँ. तो मैम यहाँ पे hint लिख रही हैं. क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ, तो hint क्या है भाई? Hint है कि सबसे पहले बोला गया है सॉल्वेंट इज वाटर. वाटर यानी कि हमें पता है दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक. तो यहां से आपको क्या समझ आएगा कि वाटर के अंदर ज्यादा सॉल्युबल कौन सा होगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है. अगर आपको सॉल्युबिलिटी पता चल गई तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप कंपेयर कर सकते हो हेनरीज कांस्टेंट को. तो हिंट है लाइक डिसॉल्व्स लाइक. तो अब आप इस सवाल का मुझे जवाब देंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में इस सवाल का जवाब आपस में डिस्कस करेंगे. ठीक है, यस, बहुत बढ़िया. तो अब अगर ये गलत किया ना, अगर ये गलत किया तो मुझे चॉकलेट भेजने के लिए तैयार रहना. ठीक है, यस, अब ऐसा ही करना पड़ेगा, इससे मेरा पूरा घर ऐसे चॉकलेट ही चॉकलेट से भर जाएगा, है ना. चलो अगला सवाल, सवाल कहता है दैट मैच द फॉलोइंग, आपको दोनों इनको मैच करना है. हेनरीज कांस्टेंट दिए हुए हैं और टेम्परेचर दिया हुआ है. ठीक है, तो मैम मुझे एक चीज पता है दैट जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है हेनरीज कांस्टेंट जो होता है वो भी उतनी ही ज्यादा वैल्यू होती है, तो मैच कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. 0.1, 0.2, 0.3 सबसे ज्यादा वैल्यू है 0.3, तो मैम 0.3 यहां पे है तो देख लो मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सा है, 493. तो मैम ये दोनों तो ऐसे मैच होंगे, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, अच्छा ई मैच ही कर दिया. क्या टाइपिंग करिए भाई, क्या टाइपिंग करिए, है ना. हाँ, तो इसमें ऐसे करते हैं ABCDE, इसको ना F बना देते हैं, हो जाता है गलती, तो गलती तो इंसान से ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है. तो अब अगर हम यहां पर इनको कंपेयर करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं मैम कि ई जो है वो मैच होगा किससे, एफ से. ठीक है, उसके बाद में बेटा 0.2, तो सेकंड हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा है, 393, यानी कि सी मैच होगा किससे, बी से. और सबसे कम केएच वैल्यू, सबसे कम टेम्परेचर, तो ए मैच होगा किससे, डी से. ठीक है, यस, तो ये आपका जवाब होगा.
बहुत बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया। और इसी के साथ हम हमारे सेशन के एंड पर आ गए हैं। तो आई होप आपको आज सारी चीज़ें समझ आई होंगी। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पार्ट ज़्यादा था, बट अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। तो बेटा अगेन हम अब आपको यही बोलना चाहेंगे कि आपको अपनी मेहनत करनी है, हम अपना काम कर चुके हैं। तो अब इस लेक्चर को अच्छे से देखने के बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, होमवर्क क्वेश्चंस करने हैं। होमवर्क क्वेश्चन के आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जितने क्वेश्चन सही हुए हैं उतने क्वेश्चंस जाकर मम्मी से बात करनी है, मम्मा डील करेंगी। मेरी और आपकी मम्मा की इस बारे में डील हो चुकी है कि इसके जितने सही सवाल हों उसके लिए इसको उतना ही रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपको उतना रिवॉर्ड मिल जाएगा, डोंट वरी, आई हैव डिस्कस्ड दिस। तो बस बेटा इसी तरह से मेहनत करते रहना, तैयारी करते रहो यार, मेहनत करते रहो, कभी भी ना डीमोटिवेट मत होना। कोशिश यही करो कि आई कैन डू दिस, अपने आप को कॉन्स्टेंटली ये रिमाइंड कराते रहना है दैट आई कैन डू दिस। जो होता है एक्चुअली अच्छे के लिए होता है, तो जो हुआ है वो मुझे अभी ये इसलिए, ये मुझे बताने के लिए हुआ है दैट आई हैव टू वर्क इवन हार्डर, फिर आप और अच्छे से मेहनत करोगे, राइट? यस, तो हर चीज को ना एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो और अपना बेस्ट दो, एंड आई नो यू विल एक्सेल, ठीक है। मुझे पता है कि आप जो जो ये लेक्चर्स कॉन्स्टेंटली पूरा डिटर्मिनेशन के साथ देख रहे हैं ना और तैयारी कर रहे हैं, वो सब 95% प्लस मार्क्स लाएंगे। एंड आई एम श्योर कि आप सभी मुझे बोलेंगे कि मैम हमारे भी 95, मैं थक जाऊंगी आप लोगों के सुनते सुनते कि मैम मेरे भी 95 प्लस, मेरे भी 95 प्लस। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं फिर आप लोगों से जेलस फील करूंगी, तो आई वॉन्ट टू फील जेलस ऑफ यू। तो अच्छे से मेहनत करो और मैम को जेलस फील कराना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अच्छे से तैयारी करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।